सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतमसं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः धर्मलाभ नमो आप सभी महानुभाव विरालियन जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 दिन कक्षा क्रमांक 74 पूर्व कक्षा की समरी इस प्रकार है। पूर्व कक्षा में हमने अवधि ज्ञान के भेदों को देखा था। अवधि ज्ञान के भेद में हमने सर्वप्रथम देखा था अनुगामी अवधि ज्ञान, जो अन्य क्षेत्र में जाने पर ही साथ जाता है। फिर देखा था अनानुगामी अवधि ज्ञान, जो अन्य क्षेत्र में जाने पर साथ नहीं जाता। हमको अनुगामी और अनानुगामी अवधि ज्ञान में से कौन सा अवधि ज्ञान होगा, ये हमारे ज्ञानावरणिक कर्म की निजरा पर आधारित है। भूत प्रेत आदि भी होते हैं और उनके अवधि ज्ञान व अवधि दर्शन भी होता है। जीवन व्यवहार मति शुद्ध ज्ञान से चलने वाला है। फिर हमने देखा था अवधि ज्ञान का तीसरा वेद, जिसका नाम था वर्धमान। वर्धमान का था बढ़ता हुआ, जैसे 10% से 20% हो गया, और इस अवधि ज्ञान में क्लियरिटी भी बढ़ती जाती है। फिर अवधि ज्ञान का चौथा वेद था अवधि ज्ञान, मतलब घटता हुआ अवधि ज्ञान, जैसे 100% से 80% हो गया। तो महाराज जी ने बताया था यदि राग द्वेष से जो कर्म बंद हो रहे हैं यदि वो बढ़ जाए तो हीमान अवधि ज्ञान घटते घटते नष्ट भी हो सकता है। फिर महाराज जी ने बताया था सीमंदर भगवान के समो शरण में 1,000,000 केवली है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके समो शरण में अवधि ज्ञानी कितने होंगे। और जैसा मती क्लास की समृद्धि की आगामी कक्षा के लिए महाराज जी से निवेदन करते हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अवधि शब्द जो है एक लिमिट के बारे में है, ख्याल है। अब ये अवधि जो है कितने प्रकार की लिमिट होगी, तो आपके जो है क्षेत्रीय लिमिट कितनी है, कौन कितने क्षेत्र तक देख सकता है, ये भौगोलिक आ गई। क्षेत्रांतर्ग में मापना है इसको, डिस्टेंस मापना है, कितने डिस्टेंस तक उसका अवधि ज्ञान पहुंच रहा है, वो देख रहा है या जान रहा है। इधर जो है कालिक है, तो कालिक के अंदर भी आपको कितने प्रमाण में, यहाँ पर जो है एक एक के अंदर हिसाब देखेंगे तो ये क्या है, चारों दिशा के अंदर आ गया। अब चारों दिशा के अंदर यहाँ से आप नॉर्थ साउथ में कितने जाते हो, ये सेंटर है। तो सेंटर से जब हम अवधि की लिमिट देखेंगे, समझेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो ये आप जब देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा यहाँ सेंटर में रही हुई व्यक्ति को, जिसको अवधि ज्ञान है, अब वो ऊपर कब तक कहाँ तक देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात राज लोक तक का उसको कितना दिखाई देगा, कितनी लिमिट है उसकी। फिर नीचे यहाँ से जो है जब आपको ऊपर जाना है तो ऊपर के अंदर आप कितना देखेंगे, नीचे जाना है तो नीचे के अंदर आप कहाँ तक आपका अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और इधर जब क्लियर आप ये डिस्टेंस तक देखेंगे, ये डिस्टेंस तक देखेंगे, तो ये कौन सी हो गई, ये ईस्ट में आ गया, ये वेस्ट में आ गया, ये साउथ में आ गए, ये नॉर्थ में आ गए, तो आप किस दिशा में। अब जिसको अवधि ज्ञान जो हुआ है, अब वो वर्धमान है, हीयमान है, अनुगामी है, अननुगामी, जिस प्रकार का जिस टाइप का अवधि ज्ञान हुआ है, अब वो कहाँ तक जो है उसकी लिमिट है, ये बताने के लिए शब्द जो नाम का रखा है अवधि ज्ञान का, मतलब ये हुआ।
कहलाया। अब मनुष्य के अवधि ज्ञान की लिमिट, पशु पक्षी के अवधि ज्ञान की लिमिट, देवी देवताओं के अवधि ज्ञान की लिमिट, नरक के नारकियों की, तो जहां जिसको जिस प्रकार का जैसा अवधि ज्ञान हुआ है, सबको अपने अपने हिसाब से उनकी लिमिट, ये क्षेत्रीय लिमिट आ गई। इधर हम क्या करेंगे, हम काल के अंदर कालिक लिमिट कौन सी है किसकी, तो ये भूतकाल हो गया, ये वर्तमान काल है, ये भविष्य काल है, तो इस समय इसको जिसको केवल ज्ञान अवधि ज्ञान हुआ है तो यहां से कितने पिछले भव तक जान पाएगा या कितने भविष्य के आगामी जन्म तक वो देख पाएगा। एक देवलोक के देवता की इच्छा हुई कि वो जाते समय उसने देखा कि यहाँ पर एक पहाड़ की गुफा में एक महान ज्ञानी तपस्वी साधु संत ध्यान में बैठे। वो देवता वहां पर आया, महाराज जी को वंदना की और थोड़ा विवेक का उपयोग किया कि महाराज जी इस समय मेडिटेशन में है, वो चुपचाप जो है एक तरफ बैठ गया। महाराज जी का ध्यान पूरा हुआ, महाराज जी ने आंखें खोली और सामने देखा तो उस देव ने वंदना की, नमन किया और पूछा, भगवान मैं यहाँ से जा रहा था, निकल रहा था, आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो मेरे मन में एक जिज्ञासा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ मेरी मृत्यु के बाद मेरा दूसरा जन्म क्या होगा। तो गुरु महाराज ने कहा, भैया आपको तो अवधि ज्ञान है ना, आप तो वैसे भी स्वर्ग के देवी देवता हो, तो आप खुद ही अपना उपयोग लगाओ, आप उपयोग करके जान लो, देख लो आपका कहाँ पर अवधि जन्म होने वाला है, तो आपको तो आपको एक जन्म तो दिखाई देगा, कितनी लिमिट है आपके अवधि ज्ञान की। देवता ने पूछा, कहा, गुरुदेव मैं देख तो लूंगा, मैं जान तो लूंगा, लेकिन वो जैसा तैसा जन्म जिधर तिधर कुछ हो गया तो रास्ता क्या, उपाय क्या, तो आपके पास से मुझे दोनों सवाल का जवाब साथ में मिल जाएगा भगवान। मैं अवधि ज्ञान से मात्र जान लूं और अवधि दर्शन से मात्र देख लूं, इसके पक्षाय आपको ही पूछ लो, मेरे से ज्यादा अच्छा आपका ऊंचा हाई लेवल का होगा और फिर आप मुझे उपाय भी बता दोगे, दोनों काम हो जाएगा भगवान, आप कृपा करिए। अब देवता को अवधि ज्ञान होते हुए भी, अवधि दर्शन होते हुए उसको उपयोग रखना पड़ेगा, ये क्षायोपशमिक भाव के है ना, तो क्षायोपशमिक भाव के हैं तो उनको उपयोग रखना पड़ेगा। अब चलो गुरु महाराज ने कहा तो गुरु महाराज ने उपयोग रखा और गुरु महाराज ने देख करके कहा, रुको भाई, देखो बैठो, मुझे यहां से दिख रहा है कि अरावली पर्वत माला की खीण के अंदर, आप वैली के अंदर आप एक बंदर बनने वाले हो। अब देवता का आयुष्य अभी कितना, 6-8 महीने बाकी होगा, इतने अंतराल काल के बाद उसका जन्म होगा, मृत्यु होगी और वो मर के अरावली पर्वत माला की जो वैली होती है वहां पर ये बंदर बनने वाला है, ये देख करके गुरु महाराज ने उस देवता को बताया सर। अब जैसे ही देवता को बताया तो देवता तो रोने लगे, अरे 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 नहीं 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 भगवान, नहीं 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 भगवान, मुझे बंदर तो नहीं बनना है, मुझे बंदर तो नहीं बनना है। अरे आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, आप जो कर्म बांध रहे उसके हिसाब से आपने मुझे देखने के लिए बोला, मैंने देखकर आपको बताया। भगवान मैंने आपको इसीलिए पूछा है कि अब उपाय भी तो आप ही बताओ, देखो कर्म आपने बांधे हैं, आप अपने कर्म के अनुसार मरने के बाद यहां से वहां जाकर बंदर बनने वाले हो, मैंने थोड़ी कर्म बांधे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं 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 गुरुदेव, कोई रास्ता बता दो, कोई उपाय बता दो। हाँ ये बात अलग है आपकी, रास्ता बताने की बात अलग है कि वहां पहले आप बंदर बनोगे, अब बंदर बनने के बाद आपको वहां नहीं रहना है, उस बंदर के जन्म में आप क्या करोगे, फिर वहां से निकल करके वापिस क्या कर सकते हो, ये बात आपकी है, मैं आपको रास्ता जरूर बताऊंगा,
लेकिन अभी आपने जो पूछा उसका उत्तर मैंने दिया। तो वर्तमान में रह करके भविष्य के कितने भव तक आप देख सकते हो, जान सकते हो, उस हिसाब से आपको जवाब देना है। या कोई भूतकाल का पूछे, पिछले जन्मों का कोई पूछ ले, तो फिर उनको भूतकाल के हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा। तो ये अवधि ज्ञान भूतकाल तक कितने भव तक जान सकता है, दे सकता है, उसकी अवधि कालिक अवधि है। और यही अवधि ज्ञान आपको जो है आगामी भविष्य के अंदर कितने जन्म तक आप देख सकते हो, आपको उसकी जानकारी हो सकती है। समझे कि नहीं? दोनों तरफ है, तो ये दोनों तरफ का आपको ख्याल आ जाएगा। सोचिए, समझे कि नहीं? ये हो गई कालिक अवधि, ये हो गई क्षेत्रीय अवधि। अब ख्याल आ रहा है आपको दोनों का? इधर आ गया द्रव्य आदि की अवधि, कितनी वस्तु दिखाई दे रही है, पदार्थ कितने दिखाई दे रहे हैं, द्रव्य है कि पर्याय है कि जिस वस्तु में है वहां की क्या क्या दिख रहा है आपको, ये बात हो गई। भावात्मकता के अंदर या तो गुण कहिए, या उसकी भाषा, या उसके रूप रंग, या वर्ण गंध, या रस स्पर्श, या उसका व्यवहार, या उसकी प्रवृत्ति, या इस बातों में कहिए, ख्याल आया जाएगा ना आपको। तो ये जो आपको, अजी एलसी जैन साहब आप जरा म्यूट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं उससे हमको ये ख्याल आना चाहिए। अब आप इसी को समझिए कि किस क्षेत्र में कहाँ किसको कितने प्रमाण में अब कैसे अवधि ज्ञान कितना हुआ है। पहले ये देखिए कि दोनों चीज हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ चल रही है। ये क्या है और ये क्या है, दोनों का कर्म अलग अलग है ना। ये है अवधि दर्शन, ये है अवधि ज्ञान। ये दोनों अलग अलग है, तो इसका काम क्या है, देखना। इसका काम क्या है, जानना। अब दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ये एक रेलवे का ट्रैक है, ये चल रहा है इधर, ये रेलवे का ट्रैक ये चल रहा है। तो जो भी अवधि ज्ञानी आत्मा हुई है, अब वो अपनी तरफ से जो है वो किस तरह से, तो इधर से देखना आएगा, इधर से जानना आएगा। देखते भी जाओ, जानते भी जाओ, देखते भी जाओ, जानते भी जाओ। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको ये समझना है कि ये अवधि दर्शन आपका कितने परसेंटेज खुला है। अब आपको ख्याल आ रहा है, इधर ये मैंने क्या किया, ये 70% जो है अभी कर्म के आवरण वाला है, और ये 30% ही अवधि दर्शन हुआ है। ये किसके अंदर गया, दर्शनावरणीय कर्म में। अब दर्शनावरणीय कर्म में ये अवधि दर्शनावरणीय कर्म है, अब अवधि दर्शनावरणीय कर्म की ये प्रकृति है। तो इसका क्या है, ये क्या मैंने क्यों लिखा है यहां पर, ये क्षयोपशम भाव कितना है, कितने प्रमाण में क्षयोपशम हुआ है, ये देखिए पहले। तो इतना पोर्शन क्षय, इतना उपयोग उपशम। अब इसके अंदर भी यही है, अब ये जो परसेंटेज आए तो इसके अंदर शायद कम ज्यादा जिसने जितना किया हो, तो ये कितना है, ये 60% है और ये 40% है। ये कौन सा है, ये ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर है।
ये अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है। किसके अंतर्गत आता है? ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर तीसरे नंबर की अवधि ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति, ये आ रहा है दर्शनावरणीय कर्म के अंतर्गत जो है अवधि दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति। दोनों अलग अलग हिसाब में। अब दोनों में से परसेंटेज किसके कम ज्यादा है तो इसको क्या होगा, 30% दिखाई देगा और 40% जान सकेगा। आ रहा है ना ख्याल में? कई बार हम एक पेशेंट जो है अपने हार्ट के लिए डायग्नोसिस कराने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन चार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। एक डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना है तो वो सोचता है कि चलो सेकंड ओपिनियन ले लूं, फिर सोचता है थर्ड ओपिनियन मेरे रिलेटिव है मैं वहां पर पूछ लो, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी ऑपरेशन की अर्जेंसी नहीं है सर। तो क्यों ऐसा हो रहा है? किसका ज्ञान कितने प्रमाण में है? तो यहां कौन है ये देखने वाले जानने वाले? चारों जन हैं, देवनारकी भी है मनुष्य तिर्यंच भी है। अवधि ज्ञान चारों को होता है, ख्याल आया कि नहीं? तो ये चारों जने कौन है, चारों में से किसने कितने प्रमाण में, तो इन चारों के अंदर आपको ये देखना है। अब देवी देवता को अगर हो तो नरक के नारकी को हो तो किसको कितने प्रमाण में होगा, और इधर मनुष्य और तिर्यंच पशु पक्षी। तिर्यंच का मतलब है पशु पक्षी जो है तो देवी देवताओं को नरक के नारकियों को तो आपने देख लिया उसका जन्म जात है बाय बर्थ है, वो उनकी एक स्पेशल फैसिलिटी है वहां पर, तो वो सवाल नहीं है, वो उनका जो है बाय बर्थ है। लेकिन बाय बर्थ होने पर भी है तो क्षयोपशमिक भाव का ही है ना, कम ज्यादा जरूर होगा सर। आप सभी देवताओं को एक सरीखा एक ही प्रमाण में पॉसिबल नहीं है। एक स्कूल के अंदर देर आर द 1000 स्टूडेंट्स, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द 1000 स्टूडेंट्स हैव द सेम एंड सिमिलर नॉलेज। कम ज्यादा सबका होगा। वैसे ही असंख्य देवी देवता है, असंख्य नारकी है, बाय बर्थ जो फैसिलिटी में उनको मिल गया, लेकिन क्षयोपशम किसका कितना रहेगा उस हिसाब से कौन कम देखेगा कौन ज्यादा देखेगा, किसके विजन में क्लैरिटी कितनी डिटेल में रहेगी, वो हमको काउंटिंग करनी है यहां पर। और मनुष्य और तिर्यंच पशु पक्षियों में जब जिसको अवधि दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जो होगा या अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जो होगा तो दोनों में अलग अलग परसेंट थे, क्योंकि मनुष्य और पशु में गुण प्रत्येक है, भव प्रत्येक नहीं है। ऐसा भव प्रत्येक देवता नारकी में चला गया, अब इनका गुण प्रत्येक है, तो जिसका आवरणीय कर्म जितने प्रमाण में क्षयोपशम हुआ और गुण जितना प्रकट हुआ उसको उतने प्रमाण में रहेगा। अब वो जो उतने प्रमाण में रहेगा तो वो कहां तक देखेगा, चलेगा दोनों साइमल्टेनियस जस्ट लाइक द ट्रैक ऑफ द ट्रेन, ख्याल आया? तो ये है दोनों का। लेकिन अवधि दर्शन में अगर क्लैरिटी ज्यादा है या अवधि ज्ञान में क्लैरिटी ज्यादा है? अवधि ज्ञान में क्लैरिटी कम है, अवधि दर्शन में ज्यादा है। अब उसके चार भेद जो है वो चारों जो है आप बना करके बोलिए साहब, बोलिए साहब नरेंद्र जी।
अवधि दर्शन प्लस में है, अवधि ज्ञान माइनस में है, यानी कि अवधि दर्शन प्लस में है तो ज्यादा देखेगा और अवधि ज्ञान माइनस में है कम जानेगा। सेकंड वन अवधि दर्शन प्लस में है, अवधि ज्ञान प्लस में है, देखना और जानना दोनों रहेगा। और थर्ड में अवधि दर्शन माइनस में है और अवधि ज्ञान माइनस में है, देखना भी न होगा और जानना भी न होगा। चौथे में अवधि दर्शन माइनस में है और अवधि ज्ञान प्लस में है, देखना नहीं होगा लेकिन जानना होगा। ना क्यों बोला सब में आपने, नाना शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? कम ज्यादा बोलिए ना, प्लस माइनस के चिन्ह जो है ये सिम्टम किस में काम आ रहे हैं? सर्वथा नई की बात नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, पहला जो है अवधि दर्शन उसका परसेंटेज में ज्यादा है लेकिन अवधि ज्ञान माइनस में कम है। देखने की क्लैरिटी ज्यादा है लेकिन जानने की डिटेल उसकी इतनी लंबी नहीं है, ज्यादा नहीं है। आ रहा है ख्याल में? दूसरे में क्या है, दोनों ही प्लस में है, बहुत अच्छा है सब। अवधि दर्शन भी अगर 50% है, अवधि ज्ञान भी 50% है, दोनों से अच्छा जान भी रहा है, अच्छा देख भी रहा है, ये प्लस पॉइंट का फायदा है। अब ख्याल आ रहा है? तीसरा देखिए, अवधि दर्शन भी माइनस में है और अवधि ज्ञान भी माइनस में है। पशु पक्षियों को भी होता है ना, मैंने अभी आपको कहा, और एक बार होने के बाद कोई परमानेंट नहीं रहेगा। अपने प्रकार तो हम समझ रहे हैं, ही मान का भी प्रकार है, घटने वाला भी प्रकार है। आज हो गया तो परमानेंट कौन सा रहता है, परमानेंट कौन सा नहीं रहता है, वो अलग अलग देखने पड़ेंगे हमको। चौथे नंबर वाले का अवधि दर्शन तो माइनस में चल रहा है लेकिन ज्ञान प्लस में चल रहा है सब। क्या लगा, मनुष्यों को अगर अच्छा हो जाता है, गुण प्रत्येक है, मनुष्यों को कोई से को अच्छा हो जाए, आज आप यहां बैठे सीधा महाविद्या में देख सकते हो। सुबह में वहां पर सिमंदर स्वामी जो है विहार करके एक नगर से दूसरे नगर में जा रहे हैं, वहां देवताओं ने समावसन बनाया है, सिमंदर स्वामी देशना देने बैठेंगे और परमात्मा देशना दे रहे हैं। ये आप अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से जान सकते हो, अवधि ज्ञान से देख सकते जान सकते हो, अवधि दर्शन से देख सकते हो। लेकिन अब क्या है, नहीं हो सकता ऐसी बात तो नहीं, निषेध तो नहीं किया है। मनुष्य को हो सकता है गुण प्रत्येक, अब उसके अंदर क्या हो गया, पांचवे आर्य का कलयुग बीच में बाधक आ गया, ये समस्या खड़ी हो गई साहब। तो हमको यहाँ पर अवधि ज्ञान नहीं है, हम यहाँ से महाविद्य नहीं देख सकते हैं, लेकिन महाविद्य में बैठे कई लोगों को अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है, वो हमको रोज देख रहे हैं वहां से। कोई जानने के लिए उपयोग रखे, चलो भाई अभी महाविद्य में कितने बजे, 8:34 पर क्या हो रहा है, इनका अरुण विजय क्या कर रहे हैं, ये लोग सब क्या कर रहे हैं, तो उनको बरोबर दिखाई दे रहा है कि हाँ साहब ये इनकी क्लास चल रही है, इस समय कर्म की क्लास में अवधि ज्ञान का समझा रहे हैं। अभी घंटे भर बात उनको अगर उपयोग करना है, रखना है, जानना है तो देखेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं साहब देखो ये योगी बहन तो आमिल कर रहे हैं और ये तो रात को भी खा रहे हैं और ये तो ऐसा कर रहे हैं, देखेंगे तो देख। लेकिन आपका क्यों कोई देखे, आपके लिए क्यों कोई उपयोग रखे वहां पर? चोरडिया जी आपके कौन रिलेटिव है वहां पर महाविद्या में, आपके कोई रिलेटिव बैठे हैं वहां पर, कोई आपको याद कर रहे हैं, आपने पूछा है किसी को? नहीं, बापूजी तो देवलोक में है और माँ भी देवलोक में होगी, महाविद्या में नहीं है ना, बस। तो वो क्यों देखेंगे, कोई आपको नहीं देखेगा, उनको जरूर क्या है, अगर आपसे कोई काम है तो कोई आपको फोन करता है ना, आपका नंबर लिखा है, सेव किया है, वो आपको फोन करके बात करेंगे, नहीं तो कोई क्यों करेंगे आपको। ठीक बात, संबंध हमारे आज के वर्तमान संबंध हमारे यहाँ पर है, भूतकाल के महाविद्या में हो सकते हैं, हाँ,
कल हो सकता। अब आपको अवधि ज्ञान हो जाए तो आप जान लो कि मैं महाविदेह से यहाँ पर आया हूँ, तो आपको अगर ज्ञान हो जाए तो पिछला भी आप जान सकेंगे। ज्ञान होना तो चाहिए ना, सवाल क्या है। ये अवधि ज्ञान अवधि दर्शन जो है होता है, मनुष्यों को भी होता है, तिर्यंच पशु पक्षियों को भी होता है। बस बात इतनी सी है कि जिसका जितना आवरणीय कर्म प्रमाण में जितना घटेगा उसको होगा, नहीं होगा तो नहीं घटे, नहीं घटेगा तो नहीं होगा, बस सीधी बात है। जगत में ये भी एक प्रकार का ज्ञान दर्शन है, इतना आप जान रहे हो बस। अब हमको यहां पर ये प्रमाण देखना है ना, तो यहां आप ये देखेंगे कि इसको कहां कितने प्रमाण में ऐसा। अब ये क्षेत्र वगैरह सब आया तो यहां पर जो है आपको देखना है अब ये 14 राज लोग हैं, मनुष्य तो सिर्फ यहां पर इतने में ही है साहब। अब यहां पर तिर्यंच पशु पक्षी वगैरह काफी है, वो भी वहां पर जाकर पशु पक्षी बने तो है ना। आखिर तिर्यंच है तो किसी को यहां पर हो जाए और किसी को यहां बैठे हो जाए, किसी को यहां बैठे हो जाए, किसी को यहां पर हो जाए, जिसको जहां हो। अब कौन आया, ये जो है देव नरक का अवधि ज्ञान, ये यहाँ पर आप देख रहे हो पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, ये चौथा है। अब इस तरह से आप ये देख रहे हो ये 12 देवलोक हो गए, अब ये 9 ग्रह भी एक हो गए, अब इसके बाद इनको आप देखेंगे ये 5 अनुत्तर विमान आ गए, ये 9 ग्रह वेग आ गए, ये 12 देवलोक आ गए, और ये ज्योतिष मंडल के सूर्य चंद्र आ गए। तो यहाँ पर इन सबको जो है, इन सबको देवी देवताओं को बाय बर्थ जन्म जात उनको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन साथ में। अब यहाँ पर आपकी लिमिट कहाँ जा रही है, अब इस तरह से आपने ये लिमिट देखी साहब, ऊपर आप किसको कहाँ तक ऊपर का है, किसको नीचे का कहाँ तक है, अब ये लिमिट आ गई ना था। तो जो जितने ऊपर वाले हैं, यहाँ वाली ग्रह वेग वाले हैं, इनको तो यहाँ तक सब दिख रहा है, वहां से नीचे भी देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ वाले को यहाँ तक ही दिखाई देगा, यहाँ वाले को यहाँ तक ही दिखाई देगा, जान सकेंगे। मनुष्य को कहाँ तक का हुआ है वहां तक का ही देख सकेगा। अब ये चारों तरफ लीजिए, इस डायरेक्शन में कितना हुआ है, इस डायरेक्शन में कितना हुआ है, और ऊपर नीचे की, ये हो गई क्षेत्रावधि, क्षेत्र की जो भौगोलिक एरिया की जो है, तो एरिया लिमिट आपकी कितनी है, एरिया के लिमिट से आपको अवधि दर्शन अवधि ज्ञान हो रहा है। अब जो भी हो मनुष्य यहाँ है तो उसको कितना कहां तक होगा, अब इधर भी देवी देवता है, इधर मनुष्य क्षेत्र के नीचे आप नीचे जाएंगे तो यहां पर भी भवन है, पैलेस है, देवता रहते हैं। ये पूरा होने के बाद ये पहली नरक है, फिर ये दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, आप सब नरक में जाइए तो सातवीं नरक तक भी। अब जिसको जहां तक होता है, कौन कहां तक देखेगा, कौन कहां तक जानेगा, ये हो गई क्षेत्रावधि, एरिया वाइज लिमिट, आपको कितने एरिया में कितना तक दिखाई दे रहा है। अब यहां आप देखेंगे ये सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट किसका है, महाविदेह क्षेत्र का, मेरु पर्वत का पोर्शन, दिस इज द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे लोक का केंद्र है। अब आपको इसमें आप जो है इस तरफ और इस तरफ जाइए तो यहां पर क्या है,
ये जब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको ख्याल आएगा, असंख्य द्वीप समुद्र है। आपको असंख्य द्वीप स्वरूप दिखाई दे रहे हैं कि किसी को दो ही द्वीप समुद्र दिखाई दे रहे हैं, कोई किसी को चार दिख रहे हैं, कोई किसी को दस दिख रहे हैं, कोई किसी को बीस दिख रहे हैं, पशु पक्षी को शायद दस बीस दिख रहे हैं, मनुष्य को शायद पच्चीस पचास दिख, जिसको जितने हिसाब से जितने प्रमाण में दिखाई देगा उतना रहेगा। जब देखेगा नहीं तो जानेगा कैसे, तो उसके लिए उनको कंपल्सरी हो गया है अवधि दर्शन होना कंपल्सरी, अवधि ज्ञान होना कंपल्सरी। इधर देखिए तो मति ज्ञान का मति ज्ञान है और सामने चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है। श्रुतक ज्ञान है तो श्रुतक ज्ञान के लिए चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन से होने वाले मति ज्ञान से ही श्रुतक ज्ञान होता है। तो वहां तक क्या है, मति श्रुतक ज्ञान में आपकी इंद्रियों का उपयोग है, आंख नाक कान का उपयोग है। हमारी आंख सक्षम होकर के देखेगी तब जानेंगे हम। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन में आंख की जरूर नहीं, कान का कोई जरूर नहीं है, कोई इंद्रियां काम ही नहीं कर रही, इंद्रियों का काम नहीं है उसमें। तो वहां डायरेक्ट आत्मा से जो होता है, डायरेक्ट आपकी आत्मा से आपको कहां तक के क्षेत्र तक दिखाई दे सकता। अब यहां पर आप देखेंगे कि कालिक अवधि कौन सी है, ये क्षेत्रीय अवधि है। इसी क्षेत्रीय अवधि के साथ में अब ये काली का अवधि कौन सी है, काली अवधि के अंदर जो है ये आ गया कि भूत वर्तमान भविष्य। अब आप इसके अंदर जो है किसमें कितने प्रमाण में देख रहे हो, यहाँ के देवता कोई आ जाए कल आपके पास, वहां पर अगर कोई देवता आ जाए कोई मिल ले का आपके, आपका एड्रेस भेजना वहां से, क्या लायक नहीं, किसी को भी अगर इच्छा है ना, आचलिए जी आप आपका एड्रेस भेजना, मैं भेज देता हूँ पद्मावती देवी को, वो आपके वहां पर आएगी कि नहीं आएगी मुझे मालूम नहीं है। तो अब आपका कालिक अवधि पद्मावती इस समय व्यंतर जाति के देवी देवताओं में है, उसको भूतकाल के कितने जन्म दिख रहे हैं, भविष्य के कितने दिख रहे हैं, अगर आपके वहां पद्मावती देवी आ जाए तो आप पूछ लेना। आप पूछोगे तो पद्मावती कहेगी कि हाँ आपके पिछले तीन जन्म मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके फ्यूचर के मुझे चार दिखाई दे रहे हैं सर, इट मे पॉसिबल। हाँ मीना बहन, इफ द पद्मावती विल कम यू सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल आस्क हर, वो देवी है, फिर आप अपने सुख दुख की बात मत करना। बस उसको जो अवधि ज्ञान कालिक अवधि का है तो पास्ट में कितना है, प्रेजेंट में तो है ही है, तो फ्यूचर में कितनी लिमिट तक का है वो पूछेगी, वो आप पूछोगे तो उसके उत्तर में वो अपनी लिमिट में उत्तर देगी साहब, नहीं है तो ना कहेगी साहब, इसमें क्या हो गया। किसी को भी हो ना, आज महाविद्या में जाओगे तो अवधि ज्ञान वाले तो आपको लाखों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे अवधि ज्ञान वाले, क्योंकि 10 लाख तो सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञानी है। अब केवल ज्ञानियों की संख्या 10 लाख की है तो फिर आप उसके बाद में मनोपरय ज्ञानियों की संख्या कितनी है, अवधि ज्ञानियों की संख्या कितनी है। मनोपरय ज्ञान में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ साधु साध्वी कोई होता है, उसके सिवाय पॉसिबल नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पशु पक्षी को भी होता है, मनुष्य को भी होता है, जिसने अपने आवरणीय कर्म का क्षय पोषण किया है उसको हो सकता है। तो यहां पर जब हम देखेंगे क्षेत्रीय अवधि कालिक अवधि, अब वो आप देखेंगे समझे, फिर द्रव्यादि की अवधि, यहां से बैठे अगर ऊपर का देखो तो कहां कौन सी वस्तु क्या पड़ी है दिखाई देना चाहिए आपको, इधर अगर देख रहे हैं तो इधर दिखाई देनी चाहिए, अधोल नीचे देख रहे हैं तो वहां पर आपको ख्याल आना चाहिए। अब यहां तक बैठे हुए हैं,
नारकी में भी बैठे हुए देव देवता है तो उनको भी तो अवधि ज्ञान है ना। लास्ट में जो यहाँ रह रहे हैं तो उनको ख्याल तो आना चाहिए ना। महावीर स्वामी 19वें जन्म में 7वें नरक में गए थे, तब उनका 33 आग्रोपम का आयुष्य था। अब वहां से वो कितना देखते थे, वहां बैठे वो कितना देखते थे, कितना जानते थे, ये उनको ख्याल आना चाहिए। बरोबर आता है वहां पर, क्योंकि वहां बाय बर्थ दिस इज द फैसिलिटी। अब वहां भी गए हैं तो वो सम्यक दृष्टि है ना, क्या करेंगे सोचिए। अब ऐसे भव उनके हुए, इन भवों के बाद वो बाहर निकले, तो कितने जन्मों में कहां महावीर स्वामी को अवधि ज्ञान कितने भव में हुए, क्योंकि 14 भव तो महावीर स्वामी ने देवगति में किए, 2 भव सिर्फ नरक में किए, 1 भव सिर्फ तिर्यंच में किए। तो इस तरह से कितने हो रहे हैं, 14 और 3 17 जन्म तो बीत गए। अब इसके बाद में कितने हैं, 10 बचे हैं वो मनुष्य के भव के, ये हो गया 27 का टोटल हिसाब। अब 27 जन्मों में उन्होंने 14 भव में देवलोक के अंदर तो बाय बर्थ कंपल्सरी, 2 नारकी भवों में उनको कंपल्सरी है, बस इसके सिवाय नहीं हुआ। तिर्यंच के भव में अवधि ज्ञान नहीं हुआ, 10 मनुष्यों के भव में नहीं हुआ, लास्ट में 27वें भव में अवधि ज्ञान हुआ, उसके बाद केवल ज्ञान हो गया। हम उसकी भी बात करेंगे, वो भी एक स्पेशल प्रकार का अवधि ज्ञान है। अब आपको यहां पर द्रव्य दिखाई दे, अब भाव के लिमिट के अंदर, अब वो भाव की लिमिट में भी तो आपको आना है। क्षेत्र और काल आ गए, देवता ने आपके पूर्व भव कह दिए, 3 जन्मों के पहले का कह दिए, 5 जन्मों के पहले का कह दिया, लेकिन उस समय में बाकी की सब डिटेल कौन कहेगा, कहां तक के उनको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मैंने कहा है कि भाव की कक्षा के अंदर जो है, अब भाव की अवधि कितनी है, आप बोलो कि मैं 3रे जन्म के पहले था, तब मैंने क्या किया था, मैंने क्या इच्छा की थी, मैंने क्या विचार किया था, मेरा क्या, वो सब बता देंगे। हाँ, अवधि ज्ञानी से तो 1000 गुना डिटेल, मन प्रयोग ज्ञानी उनका विषय अलग हो गया, वो तो मात्र मन के विचार तक की लिमिट है। और फिर केवल ज्ञानी, तो केवल ज्ञानी के तो तीनों काल का, उनके तो कोई लिमिट ही नहीं है। अवधि ज्ञान वाला की तो लिमिट है, इसलिए नाम ही अवधि ज्ञान रखा है, अवधि दर्शन रखा है कि लिमिटेड, वो लिमिट के साथ मर्यादा बनाई है। अब भाव की अवधि में आप कैसे लिमिट बताओ, सोचो तो किसको कितने भाव प्रमाण, मतलब विचार आए थे, इच्छाएं हुई थी, क्रिया प्रवृत्ति आपने की थी, बोला था, कहा था, ये सब कहना पड़ेगा ना, डिटेल तो देनी पड़ेगी आपको। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो अवधि शब्द का मीनिंग है, क्षेत्रीय अवधि, कालिक अवधि, फिर द्रव्यात्मक अवधि, भावात्मक अवधि, फिर नाम क्षेत्र, काल भाव, सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये इन सब एंगल से इनको सबको देखा जाता है, ये विशेषता है यहाँ पर। अब इनको अवधि दर्शन से देखो, अवधि ज्ञान से जानो, अब कितना विस्तार बढ़ेगा, कितना विस्तार बढ़ेगा। मैं एक क्लैरिफिकेशन थोड़ा ये भी कर देना चाहता हूं, मति ज्ञान के अंदर भी पास्ट मेमोरी का नॉलेज आता है, लेकिन वो मेमोरिकल नॉलेज है, वो अवधि ज्ञान नहीं, अवधि दर्शन नहीं है, उसको पुराना याद आएगा। तो पुराना मतलब क्या, आज एक लड़की यहाँ पैदा हुई है और उसकी उम्र 6 साल की है, उसको पुराना याद आ रहा है, तो उसकी मेमोरी गई कितने, इस जन्म के 6 बरस, पिछले जन्म के 10-20 बरस, तो पिछले जन्म का कहाँ तक का उसको, उसकी आयुष्य पिछले जन्म में 80 बरस की थी,
80 बरस में उसको जो पिछले 10-20 बरस का ही याद आ रहा है। तो उस लड़की ने, 6 बरस के लड़के ने अपने पापा को कहा, पापा जी मुझे तो सब याद आ रहा है, वो मेरे पति है, वो मेरे पत्नी भाई है, मेरे बहन है, बहू है, ऐसा है, वो गाम है ना। तो ये 6 बरस के लड़के ने कभी सुनाई नहीं, कभी बात ही नहीं की। तो इसके पापा हैरान हो गए। 2-4 दिन जो है उस लड़के ने जिद पकड़ी, नहीं पापा लेके चलो ना उधर, लेके चलो उधर, चलना है। तो बोले तेरे को सब याद आए? हाँ बिल्कुल, बोले मैं रेलवे स्टेशन से उतर के मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, तू अपने आप चलेगी? बोले हाँ बरोबर चलूंगी सर। 2 दिन बिता करके पापा ने परिवार वालों को, गांव में से दूसरे 2-4 जनों को लिया और वो अपनी तरह से गए, रेलवे स्टेशन पर उतरे। अब सब ने अपनी तरह से मना कर दिया, हम कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई कुछ भी नहीं पूछेंगे, किसी को नहीं सर, हमको तो यहाँ कुछ भी मालूम नहीं, हम अनजाने जगह पर है। वो लड़की कहती है चलो मेरे साथ, चलो चलो मैं दिखाती। बरोबर उस रास्ते से ले गए, फिर गांव आया, गांव के अंदर बोले ये गली नहीं इस गली में जाना है, इस गली में नहीं इस गली में जाना है। और वो सीधे ही जाते 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 जो है अपनी तरह से जिस तरह से गए, अब उस गली में आगे बढ़ते बढ़ते उसने कहा रुको रुको, एक 2 मंजिला मकान है वहां पर। तो ये सब जने जो 10 जने पीछे गए हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं, वो 6 बरस की लड़की आगे आगे चल रही है। एक 2 मंजिला मकान आया कि सीधे ही वो तो घुसी घर में, सीधा नाम लेकर के उसने तो दरवाजा खटखटाया। जैसे ही नाम लिया सामने वाले ने आके दरवाजा खोला, सीधे ही खोलते वो तो अंदर गई, वो सीधे ही अंदर गई, अंदर के स्टोर रूम में गई, इधर खोला उधर देखा इधर। तो वो घर वाले बोले भाई आप कौन हो? बोलते मेरा घर है, मैं आपकी पत्नी हूं। वो बुजुर्ग बोलता है मेरी उम्र इस समय 70 बरस की है और इथू बोलती है मेरी मैं पत्नी हूं। अरे हाँ मैं गईसल की पत्नी हूँ। बोलो देखो आपको ख्याल है 6 बरस के पहले तारीख बार देखो इस तरह से मेरी मृत्यु हो गई थी, याद आ रहा है आपको? ये मेरा नाम था, ये आपका नाम है, मेरा बेटा किधर है? 2 बेटे हैं मेरे, ये नाम है, ये नाम है, ऐसा सब कुछ उसने बताया। और वो जैसे जैसे बता रही है, जैसे जैसे बता रही है, पड़ोसी का नाम बताया, इस पड़ोसी का नाम गया। वो बोले लीला मासी को मिलते थे ना हम, साथ में ही तो काम करते थे। फिर उसने उनको लीला मासी को बुलाया तो उसने सब बात पूछी तो बरोबर निकली हिसाब से। दैट इज ओनली द पास्ट मेमोरी, आप उसको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन समझने की मिस्टेक मत कर लेना, इसलिए क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं। ये होता है, लेकिन उसको उसका ही दिखेगा। आप आपका पूछोगे तो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, आप दूसरों का किसी का बोलोगे तो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, आप फिर जो है गलती मत कर देना वहां पर। तो जितना जो उसकी मेमोरी में स्टोरेज है, तो मेमोरी के स्टोरेज के 2 टॉप डिपार्टमेंट हो गए, एक दिस लाइफ एंड एक पास्ट लाइफ की। तो पास्ट लाइफ की मेमोरी जो उसमें स्टोरेज थी, अगर उसका मति ज्ञानावरणीय क्षयोपशम, जिसको कहते हैं जाति स्मरण, ऐसे जाति स्मरण मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो खुल जाता है, तो याद आएगा आपको। ये पॉसिबल है, अवधि ज्ञान आज पंचम काल में नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, जिसको भी करना है आप कर सकते हो। अब ये जो अवधि की लिमिट आ रही है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव से, आप कितने भवों का देख सकते हो, जान सकते हो, कितने काल का आपको जान सकते हो, ये सारी बात यहाँ पर अवधि ज्ञान के। अब अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के परसेंटेज जो है उसका क्या करेंगे साहब? अवधि दर्शन के जो परसेंटेज क्षय पशम भाव वाले हैं उनका क्या करेंगे, वो दोनों के बारे में हम थोड़ा और क्लियर करेंगे। और 2-3 प्रकार उसके बचे हैं, वो अवधि ज्ञान के हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। देखिए घड़ी तो आगे बहुत फास्ट है साहब, 2-4 मिनट बचे हैं, बोलिए साहब। एनके जैन साहब बोलिए। साहब जी, जो मायावी स्वामी को 25वें भाव में तीर्थंकर नाम उपार्जन किया, तो उनको अभी अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं? नहीं, उसको इसको क्यों जोड़ते हो आप? वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तीर्थंकर नाम कर्म के लिए उन्होंने भी स्थानक की आराधना की, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया,
वहां कहीं पर भी अवधिक ज्ञान की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो साहब जी, उन्होंने जो नाम कर्म उपार्जन किया तो उन्होंने कुछ और तो कुछ साथ में प्राप्त किया होगा। क्या मतलब, आपको क्या पूछना है, आपका प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है मेरा कि उत्तंकर नाम कर्म प्राप्त हुआ, उसके कारण से कोई उनको पहले प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ, बस। आप दूसरी बात, इसको मत जोड़िए। आप कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो ना इतने दिनों से, ये आत्मा का घर है और इसमें आत्मा के घर में ये नाम कर्म है। अब नाम कर्म की 103 प्रकृतियों के अंदर ये है तीर्थंकर नाम कर्म। बस इतनी सी जो है ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है। अब आप ये सोचो, अवधि ये ज्ञान की प्रकृति यहाँ पर है, दर्शनावरणीय कर्म यहाँ पर है, ये मोहनीय कर्म है, अंतराय कर्म है, सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, सबकी डिपार्टमेंट अलग है। तीर्थंकर नाम कर्म का इधर ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तीर्थंकर नाम कर्म का दर्शन से किसी से कोई संबंध नहीं है। ख्याल आया कि नहीं, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? प्रीति बहन बोलिए। महाराज जी, जे अवधि ज्ञान हो त्रस नाड़ी सुधी लिमिटेड हो के अलोक आकाश में भी जा सके? अलोक आकाश में है क्या देखना है? ओके, अलोक आकाश में देयर इज नथिंग एट ऑल। आकाश आकाश है, आकाश अदृश्य है, अरूपी है। तो जो त्रस नाड़ी के अंदर एक लिमिट बताए ना, चार इन द ऑल द डायरेक्शंस, हां, जिसको जिस डायरेक्शन में जितने लिमिट का होगा उतना ही दिखाई देगा, बस। बट उससे बाहर हो सकता है, लोक आकाश तक हो सकता है? हाँ, होता है ना, जिसको ज्यादा है ऊपर टॉप देवलोक वाले हैं उनको सब पूरा दिखाई देता है। ओके, बोलिए आचलिया जी, बोलिए। महाराज साहब, ये भी क्या अवधि ज्ञान का ही प्रकार है? बोलते हैं कुंद कुंद आचार्य महावीर क्षेत्र में गए थे, तो वो क्या अवधि ज्ञान से गए थे या कोई उनको लेके गया था? या मेरे को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ज्यादा मालूम नहीं है। बोलिए की मर्यादा जो है अवधि, वो भव के बदले में वर्षों से भी गिनी जा सकती है क्या? बिल्कुल। दूसरा एक प्रश्न था कि अवधि ज्ञान का विषय जो पुद्गल है तो उसको रूप रस गंध स्पर्श सभी बिना इंद्रियों के ज्ञान में आएगा ना? उनको रूपी पदार्थ ही दिखाई देंगे, रूपी पदार्थ और रूप रस गंध स्पर्श सभी आएंगे उसको अवधि ज्ञान में जानने में आएंगे। आपने पढ़ाया कि अवधि ज्ञान जो फैप्समिक है उसका उपयोग लगाना पड़ता है, तो कभी तो कोई जीव को ऐसा भी होता है कि उसको अवधि ज्ञान हुआ और उसको मालूम नहीं पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता। ओ ठीक है महाराज। आज प्रवीण जी बोलिए। इसका साहब की अवधि दर्शनावरणीय कर्म ज्यादा है तो उसका अवधि ज्ञान ज्यादा कैसे होगा साहब? दोनों अलग अलग है ना कर्म। इसमें आपने क्षयोपशम कितना किया है, आपकी आंख कमजोर है लेकिन ब्रेन एक्सपर्ट है कि आप जो है समझ तो रहे हो लेकिन आंख कमजोर है, तो आंख के लिए चक्षु दर्शनावरणीय कर्म है लेकिन समझने के लिए श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। अब परसेंटेज थोड़े थाड़े थोड़े कम ज्यादा होंगे उसके हिसाब से होना है ना। अजी मनीषा बहन जैन, आप पहले जस्ट ओपन द विंडो। मंदानी महाराज साहब मुझे ये पूछना है जी, अभी आपने बताया अवधि ज्ञान क्षयोपशम से होगा, जितना ज्यादा क्षयोपशम होगा उतना ही अवधि ज्ञान ज्यादा होगा, तो वो कैसे क्षयोपशम के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हो सकता है क्षयोपशम? जिसने ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम जितना ज्यादा किया हो, घटाया है आवरणीय कर्म की निद्रा ज्यादा की है तो होगा। जैसे हम श्रुत ज्ञान की आराधना करते हैं तो श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करते हैं, हम अपने तरफ से ज्ञानियों की ज्ञान की भी विराधना न करते हुए सबकी जो है आराधना उपासना करते हैं, तो पर्टिकुलरली अवधि ज्ञानावरणीय कर्म हो जितने प्रमाण में हो तो उतना दरवाजा खुलेगा।
अब आप देखो ना, आप प्रश्न पूछते हो, आपका ऑडियो आ रहा है लेकिन आप विंडो ओपन नहीं कर रहे हो तो नहीं दिखाई दे, ऐसा है जी। जी गुरु जी। महेंद्र भाई बोलिए। અત્યારે જે હિપ્નોટિઝમ કરવામાં આવે છે તે જાતીય સ્મરણ જ્ઞાનનો પ્રકાર છે કે? હા, એ તમે બરોબર છે, હિપ્નોટિઝમ એટલે જાતિ સ્મૃતિનું નથી, પણ ટુ ઓપન ધ મેમરી, વો ખાલી મેમરી પર હી કામ કર રહા હૈ, પ્રકાર મેમરી કા હી હૈ, તો જીતને જ્યાદા જિસને પ્રમાણ મે જીતને જ્યાદા પાસ્ટ મેમરી ઓપન હો સકે કે લાગે, અબ વો કેટલી एक्यूरेसी कितनी है, करेक्शन कितना है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब अवधि, ये क्या है कि पास्ट मेमोरी ज्ञान अगर ओपन हो जाए मति स्मृति, तो वो हिप्नोटिज्म में रहे कि बाहर आके रहे, दोनों तरफ से उसको तो क्या लाता है। लेकिन हिप्नोटिज्म वाले को तो ट्रांस में से बाहर आ जाए तो कुछ भी पता नहीं क्या लाया, तो वो एक क्या टेक्निक है, टेक्निक के हिसाब से कंसंट्रेशन करके आपको उस पास्ट मेमोरी में ले जा करके, क्योंकि सामने सजेशन होने चाहिए ना, आइदर यू आर गिविंग द ऑटो सजेशन और द एनीबॉडी एक्स पर्सन जो है वो उनको जिस प्रकार के सजेशन दे रहा है उतने प्रमाण में उसको मेमोरी ओपन हो रही है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाएगा ट्रांस में से फिर कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मध्य पास्ट मेमोरी जिसको ओपन हो गई वो जब तक रहेगा वहां तक उसको बरोबर याद आएगा। अब किसी को 5 साल रहे, किसी को 10 साल रहे, किसी को 2 साल रहे, वो लड़की 6 बरस की थी तब उसको हुआ था, लेकिन वो 10 बरस की होने के बाद सब निकल गया, खेल खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं पता। तो वापिस आवरणीय कर्म, फिर कर्म का आवरण आएगा, फिर कर्म का आवरण जाएगा, फिर कर्म का आवरण आएगा, फिर कर्म का आवरण जाएगा। ये अवधि ज्ञान में आपने देखा ना, हीयमान जो है क्यों वापिस चला जाता है, चला क्यों जाता है, आवरणीय कर्म की प्रवृत्ति ज्यादा की, बंद गए तो चला गया। नरेंद्र जी बोलिए सर। धन्यवाद सर। चेन्नई में जब सुनामी आया था तब तिर्यंच पशु पक्षी, उनको पहले ज्ञात हो चुका था कि कुछ प्रलय होने वाला था, तो ये क्या उनका अवधि ज्ञान था? ये नहीं, तिर्यंच पशु पक्षियों में आज भी है, जो शास्त्रों में डिटेल आती है उसमें ऐसा लिखा है कि भूकंप आने वाला, सुनामी आने वाला, आज भी आप देखेंगे कबूतर जो है वो उड़ेंगे, वो बैठेंगे नहीं, चूहे बिल में नहीं जाएंगे, चूहे बिल में से सब बाहर आएंगे। चींटियों को देखिए आप, तेज गर्मी पड़ करके बादल आ जाए, बारिश होने वाली हो तो चींटियाँ फटाफट फटाफट बिल में से नहीं, अब वो उनको कोई ज्ञान नहीं है ख्याल आया कि नहीं, लेकिन उस समय उनके लिए जो उनका वातावरण है वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से शीत उष्ण या जिस प्रकार के या वाइब्रेशन, क्योंकि धरती में, या उनको इस हिसाब से जो है ख्याल आता है, लेकिन इसको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन मानने की भूल मत कर लेना। बोलिए कांति भैया। जी महाराज साहब, जैसे कि ये अभी प्रश्न किसी ने पूछा था जाति स्मरण ज्ञान, तो ये जाति स्मरण ज्ञान पास्ट का ही जानते हैं और फ्यूचर का नहीं जानेंगे? नहीं, मेमोरी का मतलब ही है ना, जो मेमोरी स्टोरेज हुए अंदर वही जानेंगे, भविष्य का नहीं। भविष्य का जानना है अवधि ज्ञानी कुछ जानेंगे, और केवल ज्ञानी तो अनंत भव जान लेंगे, उनको तो बरोबर अनंत भव का ख्याल आ जाएगा। सुनिए, अरे 14 आने वाली है, 14 के दिन अगर आप कोई करना चाहते हो, आगे बढ़ाना हो तो अच्छी बात है, जिनकी इच्छा हो तो करना, नहीं इच्छा हो तो नहीं, क्योंकि 4 ही दिन बचे हैं, इसलिए बोलता हूँ, मैंने याद कराया आपको, करेंगे कुछ 14 का? ठीक है, हाँ पचकन छे कोई नहीं, आप मिल लो पचकन वगैरह हुए तो आपको गए श्री नमकार सिम, गए श्री नमकार सिम 4 सिम 8 4 सिम सूर्य के पूर्व मटी सिम कच खाए गए श्री 24 एम्पियारम तो एम्पियारम सम सागरम जलम सब स्वादयनम आयम बिलम पचकन एकम सागरम लेवालम गेहत सुखे तोड़े ने भारी दम सब स्वादयनम एकांश नम व्यासम पच खाए ते भी एम्पियारम सम कम सागरम राटम सब स्वादयनम पानस लेवन छबहु लेनवा ससित तेनवा सित तेनवा वो सिरे
वो सीधा। चौदस तो आएगी लेकिन तेरस जो है महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव आ रहा है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म, और उसके बाद चौदस के दिन और चैत्री पूर्णिमा जो है, चैत्री पूर्णिमा आदिनाथ भगवान के प्रथम शिष्य पुंडरिक स्वामी के केवल ज्ञान की प्राप्ति का दिन है। बड़े दिन भी आ रहे हैं, आंबिल की होली भी चल रही है वाक्शल्य, तो जिस तरह से जो आयोजन करना हो। मैं जो कह रहा था कि जो अभी अभिषेक भगवान के जो है शक्रस्तव से अभिषेक रखना हो, तो जिनकी भी इच्छा अगर प्लानिंग करना हो तो टाइम सेट करके आप चैत्र सुदी तेरस महावीर स्वामी के जन्मदिन का कर सकते हो। और जिनको करना है बहुत अच्छी तरह से विवेक से अपने समय से करना है, और जिनको नहीं करना है तो किसी को आग्रह नहीं है। जो करना चाहते हो तो एक साल में यहाँ पर हम मंदिर में कराते रहेंगे, उसका साथ में ऑनलाइन करेंगे तो सब साथ में कर सकेंगे। अभी आप या तो जो है जो भी निर्णय करो उस हिसाब से समय डिसाइड करना क्या लगे नहीं, तो सबको अपनी अपनी तरीके से विवेक रख कर के करना है। आपको मैंसेज पीरियड में नहीं करना है, बस ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि सभी कर लेंगे, दोस्त लगेगा बाप लगेगा, जी नहीं, आप समझते ही हो, विवेकी हो, समझे कि नहीं। तो जरा अभी चार दिन हाथ में है तो पहले से प्लानिंग करके देखना था। आपका आगामी चतुर्मास कहाँ पे है? नमो हरियंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वच्छायाणु नमो लोए सब सावणम एसो पंच नमो कारो सब भाव पणासनो मंगलाणम च सव्ये सिंपणमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो दम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं दम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जयनं जयति।